मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिसमें उत्तर प्रदेश एग्री टेक नीति 2024 को भी हरी झंडी मिल गई है। बता दें कि इस नीति में कृषि विकास दर को दोगुना करते हुए 20% करने का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट में कुल 12 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 11 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। उत्तर प्रदेश चारा नीति 2024 से 2029 को भी मंजूरी मिली है। इसके साथ ही विश्व बैंक के सहयोगी से 4000 करोड़ की नई परियोजना सहित 10 लाख किसानों को प्रत्यक्ष सहायता मिलेगी। 1 लाख से अधिक मछुआरों के परिवारों को भी सहायता मिलेगी। कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर सहित विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे।